नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आप कथा को पूरा सुने। ब्रह्मा जी के सभा में आकर के यम ने अपनी व्यथा सुनाई और ब्रह्मदेव से कहने लगी कि हे ब्रह्मदेव, मेरी बड़ी दुर्गति हुई है, मेरी यह स्थिति हो गई है, अब मैं राज्य करने योग्य नहीं रहा। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया, जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्रत है, यानी जिसका पद ना रहे तो उसका जीवित ही रहना बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट का कीड़ा घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिए। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निहोष, होमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कर्म छोड़ दिए। हे ब्रह्मदेव, राजा की आज्ञा से सभी ने पितरों की पूजा, देव पूजा, तीर्थ यात्रा ये सब छोड़ करके सिर्फ वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। योग, संज्ञा, प्राणायाम करना, होम, श्रद्धा सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए गए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। और हे ब्रह्मदेव, उन सभी ने सत्कर्म छोड़ दिए हैं, यज्ञ आदि छोड़ दिए हैं, पितरों की पूजा छोड़ दी है, तीर्थ यात्रा पर जाना छोड़ दिया है, लेकिन वह वैशाख मास के नियमों का पालन कर रहे हैं। इससे सब कुछ छोड़ देने पर भी सिर्फ वैशाख मास के नियमों के पालन के द्वारा सब के सब वैकुंठ लोक में जा रहे हैं। धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ लोक को चले जा रहे हैं, वही इसका शुभ फल भोगता है। परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है। हे ब्रह्मदेव, जो लोग तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, उनको जो लोग करते हैं सिर्फ उनका ही उद्धार होता है, लेकिन वैशाख मास के नियम निभाने से, वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करने से उनके 26 कुलों तक वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। इतना महत्व है वैशाख मास का। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा करने से नहीं मिलती, यज्ञ दान करने से नहीं मिलती, तप करने से नहीं मिलती, व्रत करने से नहीं मिलती, प्रयागराज में मरने से, रण में मरने से नहीं मिलती, काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख मास धर्म से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई प्रमाण नहीं, जो जितने मनुष्य से भी नहीं बढ़ता। हे ब्रह्मदेव, इतने तप करने पर भी जो सदगति नहीं मिलती, वह सिर्फ वैशाख मास के धर्म पालन से मिल जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि यम लोक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब मेरा कार्य न रहने से मैं तो राजा को अपना शत्रु मानता हूं, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन करते हैं और मेरा सारा कार्य व्यर्थ हो गया, मुझ पे कोई कार्य नहीं है, इससे मैं राजा को ही अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से ही ये सभी लोग वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं। हे राजन, सुखदेव ऋषि बोले, हे राजन, वैशाख मास के इस प्रकार से यमदेव ने ब्रह्मदेव को सुनाया।
बोल वैशाख मातम की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।